इंदौर की खजराना पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के मामले में एक आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फरियादी को मकान तोड़वाने की धमकी देकर वकील के माध्यम से एक नोटिस भेजा था। इसी के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल इंदौर की खजराना थाने पर फरियादी विजय राठौर ने शिकायत की थी कि साई कृपा कॉलोनी में उसका मकान बनाया जा रहा था, जिसमें आरोपी अजय यादव द्वारा वकील के माध्यम से एक नोटिस पहुंचाया। बाद में आरोपी ने धमकाकर 3 लाख रुपए की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि आरोपी अजय यादव पेशे से आरटीआई कार्यकर्ता है, साथ ही उसका जंजीरवाला पर कोई नाश्ते का ठेला भी है। वहीं आरोपी पहले भी इस तरह से कई लोगों को ये साठ गांठ कर ब्लैकमेल कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्लैकमेलिंग का मामला है, एक फरियादी है विजय राठौर, इनका साई कृपा कॉलोनी में एक मकान बना है, प्लाट नंबर 9192 पे मकान बनाया था इन्होंने। तो इनको एक अजय यादव है, अजय यादव ने पहले इनको नोटिस वकील के माध्यम से पहुंचाया और उसके बाद इनको धमकाया, इनसे 3 लाख रुपए की मांग की और मकान तोड़वाने की धमकी दी। इस तरह से आवेदन, लिखित आवेदन पे विजय राठौर की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। क्या करता है आरोपी? और आरोपी के बारे में जानकारी भी जुटाई है। आरोपी अपने आप को आईटी कार्यकर्ता बताता है और जल्दी वाले पे नहीं, ये ठेला वेला कुछ चाट पकौड़ी का ठेला इस प्रकार से लगाता है और इसी प्रकार से इसका शायद अभी जो अपनी जानकारी मिली है इसी प्रकार से इन लोगों को चाट काट करके दरा धमका के ब्लैकमेल करता है। अभी जाँच में जो भी लोग सामने आएंगे नाम, सब आरोपी बनेंगे। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।